सोमवार को बाबा दुखहरणनाथ मंदिर के समीप नदी में डूबे युवक का शव 24 घंटे के बाद नदी से बरामद किया गया। पूजा करने आए युवक के नदी में डूबने के बाद युवक को ढूंढने के लिए स्थानीय और धनबाद से आए गोताखोरों की टीमों को लगाया गया था। आखिर 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बरामद किया गया। बताते चले कि धनबाद के सिद्धुआ स्थित न्यू श्याम कॉलोनी का रहने वाला युवक गौतम चौहान अपने परिवार वालों के साथ सोमवार को पूजा करने गिरिधीह के बाबा दुखहरणनाथ मंदिर आया था। सोमवार के दोपहर युवक नहाने के क्रम में नदी के गहरे पानी में डूब गया था। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा फौरन उसकी खोजबीन शुरू की गई थी, मगर युवक का कुछ पता नहीं चल पाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय और धनबाद के गोताखोरों की टीम को युवक की तलाश करने में लगाया गया था। इधर शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। धनबाद से साला बहनोई उनके फुल परिवार आए थे, जिसमें साला और बहनोई नदी में नहाने के क्रम में उनके साला गौतम कुमार गहरा पानी में चले गए, जिनके कारण वो करीब अपने बहनोई से 200 फीट आगे बह गए। इसी बीच की सूचना मुझे मिला, मैं तत्काल अपने पंचायत के जितने भी गोताखोर थे, राहतवादी और जमात के सभी को मैंने पानी में कुदाया, अथक प्रयास किया, नहीं निकाल पाया। मुझे फिर पता चला कि परसा टाण के जो गोताखोर उनको भी बुलाया, उनसे भी नहीं निकला। तो आज रात में मेरी संपर्क धनबाद पूर्व वार्ड पार्षद शंभुनाथ महतो से हुई, उनका एक टीम था, 4 सदस्यीय टीम आज पहुँचे और उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद सबको 26 घंटे के बाद निकाला गया। इसमें शंभुनाथ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो धनबाद से चल के आए मेरे बात पर और आज सबको निकाला गया।